चाहते हैं कि किसानों का भला हो और टिकैत साहब चाहते हैं कि राजनीतिक लोगों का भला हो। राजनीतिक से अगर मैं दूर हूँ तो राहुल गांधी की यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में क्या लेने गए थे आप उनसे पूछते हैं बात, मैं जवाब दे इस बात का जनता हूँ। सवाल पूछने के लिए आप हाथ में हाथ डाल कर यात्रा में नहीं चलोगे। आप जैसे आंदोलन यहाँ कर रहे हो वैसे आंदोलन आप राजस्थान में करो। आपका बड़ा संगठन है, बड़ा नाम टिकैत साहब का, ऐसा ही हमें तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जो हमारे मन की बात वह यही है कि मैं जो योगी और मोदी का विरोध करना चाह रहे, किसानों का भला नहीं करवाना चाह रहे। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है राजनीति का, जब लोकदल का भी समर्थन है सारे नेता वहाँ पर, आज विधायक पंकज मलिक भी, विपक्षी जितने भी नेता सारे वहीं पर अपना समर्थन दे। कहाँ करना चाह रहे वे बात, वे तो लगातार विपक्ष का रोल अदा कर रहे, और किसी सरकार के विरोध में वो क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे लगातार। बीजेपी सिर्फ एक ही एजेंडा, बीजेपी नहीं किसानों के लिए मैदान में कहाँ बैठे हैं, तो राजनीतिक पार्टियां जा रही वहाँ, तो किसान तो मुझे लगता है ऐसा। आपको तो कोई चुनाव नहीं लड़ना ना, अभी मौजूदा दौर में तो चुनाव नहीं लड़ना, वो कह रहे हैं मेरे घर का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं तो किसानों की बात कर रहा हूँ ना। हो सकता है लड़ना, नहीं अगर टिकट देगा शुरू में जा लेंगे तो उन्हें इच्छा है टिकट चुनाव लड़ने की? इच्छा तो पूरी रहा है। विधानसभा क्यों नहीं लड़े हो? विधानसभा में दिया नहीं किसी ने टिकट। टिकट साहब को फर्क ही नहीं है, यहाँ मुजफ्फरनगर में कोई इनकी वैल्यू नहीं है। बैठे सर क्या किसान का भला हो जाएगा? अगर बैठना था तो डीएम के बाहर बैठते या मुख्यमंत्री के बाहर बैठते जाएगा वहाँ लखनऊ में, वहाँ से क्या हाल निकलता है? सुंदर सिंह टिकैत का परिवार या पूरी किसान बिरादरी है, एक परिवार नहीं है। हम भी महेंद्र सिंह टिकैत का परिवार है। परिवार अगर कोई उसका खून हो गया तो वो उसका परिवार नहीं होता, हम सब लोग उनके अंश हैं। आप खुद बता रहे कि वो जिला पंचायत के चुनाव में गुंडागर्दी कर रही है सरकार। हम ये कह रहे हैं कि जिला पंचायत का चुनाव सब हार जाओ या जीत जाओ, टिकैत साहब का अपना पर्सनल क्या है इसमें? या तो टिकैत साहब जिला पंचायत का चुनाव खुद लड़ना अपना। तानाशाही गुंडागर्दी नहीं होने दी जाएगी, तानाशाही टिकैत साहब ने रोकी नहीं। हम ये कह रहे टिकैत साहब 13 महीने का आंदोलन करके इन सब मुद्दों को छोड़ को क्यों आए? क्या एनजीटी का आदेश पहले नहीं था ट्रैक्टर तोड़ने का? ट्रैक्टर तोड़ने का आदेश तो 10 साल पुराने एनजीटी का पहले भी था। दिल्ली का बॉर्डर क्यों छोड़ रहा है? वहां पर कोई बात नहीं हुई, केवल कानून वापसी की बात होती। पंजाब के किसानों का धरना था और टिकैत साहब उसकी वाहवाही लूट कर और चुपचाप वहां से निकल कर चले आए। ये है टिकैत साहब खुद का अपना बचाव करना चाह रहे हैं, उनके संगठन के पदाधिकारियों का अपने इलाज करवाना चाह रहे हैं, अपने संगठन के पदाधिकारी जिन पे 151 का चलान होना था कपिल सोम, उनका इलाज करवा दिया जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की आवाज़ एक बार फिर तेज करने की कोशिश की जा रही है। राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ, संगठन के लोगों के साथ मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में धरने पर बैठे हैं। लेकिन इसी मुजफ्फरनगर में एक अराजनीतिक संगठन भी है, भारतीय किसान यूनियन, जो उसी से अलग होकर बना था। उन किसानों की क्या राय है, संगठन के लोगों की क्या राय है, यही जानने के लिए आज हम मुजफ्फरनगर के एक क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, संगठन से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है मुजफ्फरनगर में किसानों को लेकर। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? अंकित चौधरी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। तो भाई साहब आप जिला अध्यक्ष हैं, एक तरफ टिकैत साहब बैठे हैं, एक तरफ आप बैठे हैं, क्या दोनों की राय एक ही है किसानों को लेकर, या राय में कुछ अलग अलग मशवरे हैं? नहीं, राय में हमारा अलग अलग मशवरा है। हम चाहते हैं कि किसानों का भला हो और टिकैत साहब चाहते हैं कि राजनीतिक लोगों का भला हो, ये हमारे मन में फर्क है। आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि राजनीतिक लोगों का भला हो। अभी मैंने उनका इंटरव्यू तो कह रहे कि हम तो राजनीति से बहुत दूर हैं। राजनीतिक से अगर मैं दूर हूँ तो राहुल गांधी की यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में क्या लेने गए थे आप उनसे पूछते हैं बात, मैं जवाब दें इस बात का जनता को। मैंने पूछा उनसे, राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायकों को बुला कर अपने धरने बैठा रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को जो बुला कर अपने धरने बैठा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस चीज का? अगर उनका शुद्ध रूप से राजनीतिकरण का आंदोलन नहीं है तो मैं अकेले आंदोलन करूं, किसानों के दम पर आंदोलन करूं? मैंने पूछा आपसे, जो सवाल आपने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आप राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं तो लोग ये नहीं कहेंगे आप राजनीति करें? उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस जो है कई राज्यों में सर सत्ता में है, जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में है, तो सवाल तो वहाँ के किसानों के पूछेंगे, हम तो सवाल पूछने जा रहे हैं। सवाल पूछने के लिए आप हाथ में हाथ डाल कर यात्रा में नहीं चलोगे? आप जैसे आंदोलन यहाँ कर रहे हो वैसे आंदोलन आप राजस्थान में करो। आपका बड़ा संगठन है, बड़ा नाम टिकैत साहब का, इस बात को मैं भी मानते हैं, हम भी मानते हैं टिकैत साहब का बड़ा नाम है, तो मैं राजस्थान में जाकर आंदोलन क्यों नहीं करते? क्यों पंजाब में जो लाठीचार्ज किसानों पर हुई है वहाँ के किसानों को समर्थन जाकर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बैठे केजरीवाल के खिलाफ जाकर? मैं यहाँ पर आकर मैं बैठते हैं तो ये केवल राजनीतिक लाभ या कहें कि विपक्ष का एजेंडा आगे बढ़ाने का काम हमारे टिकैत साहब कर रहे हैं। साहब को क्या दिक्कत है? देखिए वो क्या मोदी और योगी से उनको कुछ दिक्कत है, या वो विपक्ष के साथ मिलकर सत्ता के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, ऐसा कुछ है उनका? ऐसा ही हमें तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जो हमारे मन की बात है वह यही है कि मैं जो योगी और मोदी का विरोध करना चाह रहे, किसानों का भला नहीं करवाना चाह रहे।
ठीक है, आपका क्या नाम भाई साहब? भूपेंद्र कुमार। तो भूपेंद्र जी, ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि तो राजनीतिक लोग हैं, आपको लगता है राजनीति हो रही है यहाँ पर, या किसानों के हक की बात जो है वो लगातार भारतीय किसान यूनियन पहले से उठाता हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग राजनीति का शिकार हो रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वे राजनीति के लोग हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम भाई साहब? अक्षु त्यागी, युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। तो आप राजनीतिक युवा के जिला अध्यक्ष हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को जो भाई साहब आरोप लगा रहे हैं? ये तो साफ तौर पर दिख रहा राजनीतिक है, जब लोक दल का भी समर्थन है, सारे नेता वहाँ पर, आज विधायक पंकज मलिक भी, विपक्षी जितने भी नेता सारे वहीं पर अपना समर्थन दे रहे। तो विधायक क्यों नहीं जा सकते, जो विपक्ष के विधायक हैं वो भी तो किसानों की आवाज़ उठा सकते हैं, उस मंच को साझा कर सकते हैं। आप पर आरोप लगता है कि आप लोग सत्ता के साथ मिल गए, सत्ता के लोग आपको तोड़ रहे हैं, किसानों को अलग अलग संगठन में तोड़ रहे हैं? नहीं, हमें तो शुरू से कहा जा रहा है कि ये सरकारी संगठन है, ये विपक्ष लगातार हम पे आरोप लगा रहा है, लेकिन किसानों का भला जो हो रहा है सरकार से बातचीत करके हो रहा। अभी कई मुद्दे, बिजली के मुद्दे पर बात हुई, गन्ना किसानों के मुद्दे पर बात चल रही है लगातार, तो ये बात सरकारों से मिलकर ही तो होगी, विपक्ष से मिलकर थोड़ा ही होगी। जब सरकार बीजेपी की है तो सरकार से बातचीत करके ही समाधान हो सकता है। कैद भी तो ये कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत करना चाह रहे हैं हम, सरकार टेबल पर आ ही नहीं रही है, तो आप मध्यस्थता करा दो जब आपकी सेटिंग है ऊपर। कहाँ करना चाह रहे वे बात, वे तो लगातार विपक्ष का रोल अदा कर रहे, और किसी सरकार के विरोध में वो क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे, लगातार बीजेपी, सिर्फ एक ही एजेंडा बीजेपी। हमारी लड़ाई सब सरकारों से है जो किसानों के खिलाफ काम करेगी। आपको लगता है कि सरकार खिलाफ काम कर रही है? नहीं, कुछ पक्ष में भी कर रही है, कुछ खिलाफ भी कर रही है। जैसे खिलाफ ये है, अभी गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया, आधे ज़्यादा सीजन जा लिया, इसका भी भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक पूर्णतः विरोध करेगी। क्या नाम भाई? मेरा नाम शिवम चौधरी है जी। तो चौधरी साहब, जैसे ये चल रहा है किसानों का मसला, आप इसे कैसे देखते हैं? देखो जी, उसमें तो सरासरी राजनीति चल रही है, वहाँ पे सभी पार्टियाँ आकर अपने अपना समर्थन दे रही है, दूसरी पार्टी का क्या मतलब है किसानों के धरने में? किसान किसी एक पार्टी का वो थोड़े ही है, वो तो अपना किसान तो किसान है, वो तो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह चलना चाहिए मामला सारा। तो ये जो कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, तो किसानों की आवाज़ भी उठाएगा कौन? आप लोग तो उठा नहीं रहे अभी, आप लोग तो लगता है कि शांत बैठे हैं। हम लोग बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं, अभी करीब एक महीना पहले हमारा प्रतिनिधिमंडल लखनऊ योगी जी से भी मुलाकात करके आया, उसमें भी गन्ने का मूल्य हमारे लोगों ने उठाया है वहाँ पे, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी मूल्य बढ़ाया जाएगा गन्ने का। आपका क्या नाम भाई साहब? प्रवीण चौधरी। चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है जो पूरा प्रकरण चल रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, पहले भी आंदोलन हुए, तो पहले भी आप लोग साथ थे, तो अब अलग अलग बातें क्यों होने लगी? भाई कहीं ना कहीं विचारधारा का फर्क है, जब ही अलग हुआ तो विचारधारा का इतना फर्क आ गया कि एक लोग सरकार के पास जाकर बैठ गए और एक लोग सर्दी में किसानों के लिए मैदान में बैठे हैं। नहीं, किसानों के लिए मैदान में कहाँ बैठे हैं, तो राजनीतिक पार्टियाँ जा रही वहाँ, तो किसान तो मुझे लगता है ऐसा, आपको तो कोई चुनाव नहीं लड़ना ना, अभी मौजूदा दौर में तो चुनाव नहीं लड़ना, वो कह रहे हैं मेरे घर का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं तो किसानों की बात कर रहा हूँ ना। हो सकता है लड़ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़ना हो। तीन लड़ लिए पहले लड़े, क्या कह रहे हैं? दो बार तो लड़ लिए चुनाव, कह रहे आगे नहीं लड़ना अब। नहीं, अगर टिकट देगा शुरू में जा लेंगे मैं तो। उन्हें इच्छा है टिकट चुनाव लड़ने की? इच्छा तो पूरी रहा है। विधानसभा क्यों नहीं लड़े हो? विधानसभा में दिया नहीं किसी ने टिकट। कितने विधायक तो यहाँ से निकाल दिए, मुजफ्फरनगर शामली से, ऐसा उनको टिकट नहीं मिलेगा? तो जनता से निकाल ले, वो बीकेडी दल बना रखा है, एक भी विधायक नहीं बना। तो टिकट साहब को फर्क ही नहीं है यहाँ, यहाँ मुजफ्फरनगर में कोई उनकी वैल्यू नहीं है। उनमें बैठे सर क्या किसान का भला हो जाएगा? अगर बैठना था तो डीएम के बाहर बैठते या मुख्यमंत्री के बाहर बैठते जाएगा वहाँ लखनऊ में, वहाँ से क्या हाल निकल जाएगा ये बता दो आप एक बार। वो कहते हैं कि किसानों की आवाज़ हम उठा रहे हैं, और लेकिन आप लोगों पर वो आरोप लगाते हैं कि ऐसे संगठन हम हो गए हैं इससे निकल निकल कर, कि जो सरकार की गोद में बैठ गए हैं जाके, ये आप पर आरोप है? तीन से आठ महीने से ये संगठन राजनीतिक भारतीय किसान यूनियन बना है, एक सबूत ऐसा दे दो जो सरकार से मिलकर हमने कोई वो करी हो। सरकार से अगर लड़ने का सबसे ज़्यादा काम कोई कर रहा वो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक कर रहा है। सात महीने में किसान के खिलाफ एक भी काम हमने होने नहीं दिया, और 35 साल सब तक ये बता दो कि किसान के हक में उन्होंने क्या करवा दिया। इतना बड़ा परिवार जिनका नाम मैन सिंह टिकैत का, इतना आज आप कह रहे हैं कि वो चुनाव को कोई टिकट भी नहीं दे रहा है, चुनाव लड़ना है उनको। महेंद्र सिंह टिकैत का परिवार या पूरी किसान बिरादरी है, एक परिवार नहीं है, हम भी महेंद्र सिंह टिकैत का परिवार है। परिवार अगर कोई उसका खून हो गया तो वो उसका परिवार नहीं होता, हम सब लोग उनके अंश हैं, बब्बा टिकैत के। अब आप खुद बता दो वंश बड़ा है या अंश बड़ा है। तो अब क्या मुद्दों से भटक गए दोनों भाई? मुद्दों से भटक गए, लोकतांत्रिक व्यवस्था आनी चाहिए, किसान के हाथ में सौंप दो सत्ता को, जिसे वो अगले का चलना चाहते हैं, जो कार्यकर्ता पदाधिकारी सक्षम है उसे बनाओ। अगर नगर में परिवार का उसका बच्चा युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटा हो गया, धर्मपत्नी
महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष होगी, एक भाई प्रवक्ता हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, लोकतांत्रिक व्यवस्था करो। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत के जो जीते हुए लोग थे उनको हराया गया और जबरदस्ती, आज ही उन्होंने बताया मुझे कि जबरदस्ती जो है लेटर सौंप दिए गए, ये क्या हो रहा है? ये सुन ये राजनीति है क्या? आप खुद बता रहे कि वो जिला पंचायत के चुनाव में गुंडागर्दी कर रही है सरकार। हम ये कह रहे कि जिला पंचायत का चुनाव सब हार जाओ या जीत जाओ, टिकैत साहब का अपना पर्सनल क्या है इसमें? या तो टिकैत साहब जिला पंचायत का चुनाव खुद लड़ना अपना पता है। तानाशाही गुंडागर्दी नहीं होने दी जाएगी। तानाशाही टिकैत साहब ने रोकी क्यों नहीं? टिकैत साहब जब तो 2000 ये हमारा 13 महीने वाला आंदोलन चल रहा था, टिकैत साहब खुद आंदोलन पर बैठे थे जब गुंडागर्दी हो रही थी। अगर टिकैत साहब रोकने की स्थिति में थे और इतने मजबूत थे, इतने बड़े नेता थे, तो क्यों नहीं रोकी टिकैत साहब ने? वो राजनीति करेंगे क्यों, मैं यही पूछना चाहता हूँ, उन्हें क्या राजनीति करना है? अगर वो किसानों की बात करते हैं, अगर वो राजनीति नहीं कर रहे हैं तो जिला पंचायत के सदस्यों की बात क्यों नहीं क्यों करते हैं? वे गन्ना किसानों की बात क्यों नहीं करते? उनका एक भाई वो तो कह रहे हैं कि भाई 10 साल पुराना ट्रैक्टर पर हम आवाज उठा रहे हैं, गन्ने पेमेंट है, पर्चियों पर क्यों रेट नहीं डाल रहे हो, ये तमाम मुद्दे उन्होंने मुझे आज भी गिनवाए। हम ये कह रहे टिकैत साहब 13 महीने का आंदोलन करके इन सब मुद्दों को छोड़ को क्यों आए? क्या एनजीटी का आदेश पहले नहीं था ट्रैक्टर तोड़ने का? ट्रैक्टर तोड़ने का आदेश तो 10 साल पुराने एनजीटी का पहला भी था। दिल्ली का बॉर्डर क्यों छोड़ कर आए? क्या सेटिंग थी? वह सेटिंग तो बात हुई होगी ना वहाँ? कोई वहाँ पर कोई बात नहीं हुई, केवल कानून वापसी की बात होती। पंजाब के किसानों का धरना था और टिकैत साहब उसकी वाहवाही लूट कर और चुपचाप वहाँ से निकल कर चले आए। पश्चिम के किसानों को क्या मिला? कोई एक चीज गिनवाओ। गन्ने की ट्रैक्टर की तो 13 महीने में वहाँ कोई बात ही नहीं हुई। अगर हमारा ट्रैक्टर बचाना था, गन्ने का भाव वो करना था, तो वहाँ से उठना ही नहीं था आंदोलन। तो भाई एक बात बताइए, अब जैसे आप भी किसान हैं तो धरने पर बैठे क्यों हैं? इसके पीछे की कई वजह निकल के जो मुझे बताई गई आज तो सही से मुझे समझ में नहीं आई, कुछ वजह है बड़ी जो आप... वजह बड़ी ये है, टिकैत साहब खुद का अपना बचाव करना चाह रहे हैं, उनके संगठन के पदाधिकारियों का अपने इलाज करवाना चाह रहे, अपने संगठन के पदाधिकारी जिन पे 151 का चलान होना था कपिल सोम, उनका इलाज करवा दिया इन्होंने। टिकैत साहब ने आंदोलन कर हम आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, वो बजवा दिया 151 में, जो इसमें 24 घंटे में जमानत कपिल सोम की होनी थी उसका इलाज ऐसा करवा दिया कि वो 6 महीने बाहर नहीं आता। यही वजह है कि अपने संगठन के लोगों को छुड़वा रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं सरकार पे। एक प्रेशर बनाने का काम, भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर किसी का कोई झगड़ा होगा उसे पुलिस देखेगी, उसमें क्या है? अगर हम धरनों से या प्रदर्शन करने से अगर किसी का ऐसा होता तो न्यायपालिका कहाँ जाएगी? फिर तो जज का काम भी हम ही लोग कर लेंगे। न्यायपालिका पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, न्यायपालिका जो आदेश, जो जज वहाँ पर बैठे हैं, जो वे आदेश करेंगे वो जिम्मेदार पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे ही थोड़े उन्होंने किसी को बैठा दिया। सरकार में मतलब आप मान रहे कि नहीं सरकार ठीक है, किसानों के हित में है, कोई दिक्कत किसानों के साथ नहीं है? सब ठीक है हमारी तरफ से, हमें किसी सरकार से कोई भेदभाव नहीं है, ना हम किसी के पक्ष में है ना खिलाफ है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध होगा, सरकार गन्ने का भुगतान नहीं करेगी तो विरोध होगा, हम आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। अभी हमारा राष्ट्रीय चिंतन शिविर हुआ है इलाहाबाद में, 1 हफ्ते का समय दिया है, अगर 1 हफ्ते के अंदर गन्ने का मूल्य तय नहीं हुआ तो इस पूरे प्रदेश में बहुत मजबूत तरीके से आंदोलन किया जाएगा। और भारतीय किसान यूनियन राजनीति, हमारे लिए सब दल बराबर है, कोई हमारा सगा नहीं है।